फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल असद फॉर यू पे। और अभी मेरे साथ जो भाई जुड़े हुए हैं, ये दुबई से डिपोर्ट कर दिए गए हैं और जानेंगे रीज़न कि इनको क्यों डिपोर्ट किया गया। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो वालेकुम अस्सलाम, क्यों आपको डिपोर्ट किया गया था दुबई से और आप यहाँ से क्या रीज़न हुआ था जो आप डिपोर्ट हो गए दुबई से? यहाँ पर मेरा मेडिकल में पास हो गया, फिर वहाँ जाकर मेरा मेडिकल हुआ, वो मेडिकल मेरा फेल कर दिया गया। इस वजह से हमको कुछ दिन रखा, दो दिन चार दिन रखा, फिर इसका बाद एक और मेडिकल हुआ, उसमें भी फेल कर। गम का मेडिकल था? हाँ, गम का मेडिकल था। तो यहाँ से कितना लगा कर गए थे, एजेंट को कितना दिए थे? एजेंट को समथिंग 30,000 तक दिए थे। 30,000 एजेंट को दिए, तो पूरा आपका 30,000 डूब गया? पूरा 30,000 रुपया मेरा चला गया। दुबई में आप कितना दिन काम किए? गए थे वहाँ, काम तो नहीं किए, बैठा कर कुछ 250 दिरहम ऐसा कुछ दिया था जो इंडियन मनी कुछ हुआ। कौन सा काम में आपको लेकर ले जाया गया था दुबई? होटल लाइन में था, जिसका काम था लाइन में किचन हेल्पर। तो वहाँ कितना दिन बैठे और क्या वापस जब आए तो आपको प्लेन का खर्चा कंपनी दिया ना, अपने पैसे खर्चा करके आए? वहाँ पर कुछ दिन थे तो हमको मतलब टिकट कंपनी दिया, हमको वहाँ से संग टिकट देकर हमको बोला कि आज शाम को फ्लाइट है तुम्हारा, आप यहाँ से इंडिया वापस जा रहे हो। तो हमको बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि हम फुली कंफ्यूज थे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत बुरा लगा। तो कैसा फील हो रहा है अभी इंडिया आके, क्योंकि आप इतना सपना लेकर गए थे कि दुबई जा रहे हैं जॉब करने, आकर कुछ करेंगे 2-3 साल बाद, तो अभी आप सडनली वापस आ गए दुबई से, आपको डिपोर्ट कर दिया गया, आपको कैसा फील हो रहा है? बुरा तो इतना लग रहा कि हम बता नहीं सकते, मगर फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ऊपर वाला चाहे तो फिर एक बार आगे बढ़ेंगे अगर हो गया कुछ तो। यहाँ जब आपका मेडिकल पास हो गया था तो दुबई में फिर क्यों मेडिकल फेल हो गया और क्यों रिपोर्ट कर दिया गया आपको, क्या ऐसा क्या बीमारी निकल गया था आपका? कुछ ऐसा यहाँ पर मेरा कुछ यहाँ प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ ठीक भी हो चुका, पर वहाँ जाकर वो पता नहीं क्या हो गया, अचानक मेडिकल फेल भी हो गया। ठीक हो सकता है, इंशाल्लाह ठीक हो भी चुका है, फिर कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस भाई कि आपने मुझे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया अपने बीमारी से रिलेटेड कि दुबई में आपको क्यों डिपोर्ट किया गया था। और फ्रेंड बी केयरफुल होकर जाया करें, पहले यहाँ जाँच कर ले मेडिकल में अच्छा से कि कोई बीमारी नहीं है ना आपके अंदर, वरना फिर वहाँ जाने के बाद प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू।